इस आंदोलन का दो तीन जो विशेषता है, नंबर एक ये विशेषता है कि इस आंदोलन में भारत के सभी धर्मों के, सभी जातियों के और सभी भाषा बोलने वाले किसान इस आंदोलन में शरीक हुए हैं। आप देखेंगे पूर्वी में आसाम से लेकर मणिपुर से लेकर पश्चिम में गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र तक, और उत्तर से जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा से लेकर दक्षिण में हमारा तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, ये सभी को लेकर आज लाखों किसान लगातार आंदोलन में जुटे हैं। तो इसलिए ये सभी धर्म, सभी भाषा, सभी जाति के किसान एक साथ में हुए हैं, इसलिए आंदोलन को तोड़ना जो हमेशा अक्सर बीजेपी और आरएसएस की सरकार करती है, वो उसको करने के लिए अभी कोई मौका नहीं मिला है, ये हमको एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरी विशेषता इस आंदोलन की यह है कि हमारे लाखों किसानों ने सबसे पहले 26 नवंबर को दमन का बहुत बड़ा सामना किया, वाटर कैनन, टियर गैस शेल, लाठी हल्ले, गिरफ्तारियां, ये सब के साथ जूझ के आज हमारे पंजाब के बहुत बहादुर किसान, उसके साथ में हरियाणा के किसान दिल्ली के बॉर्डर पर आके पहुंचे। तो ये दमन का सामना करके आज ये आंदोलन बहुत बड़े पैमाने पर ये फैला रहा हम देखते हैं। उसके बाद में सरकार ने इस आंदोलन को बदनाम करने की हर तरह की कोशिश की, और उसके अंदर तो बीजेपी और आरएसएस बहुत ही मशहूर है किस प्रकार से दुष्प्रचार करना, बदनामी करना। तो इसलिए उन्होंने पंजाब के हमारे जो राष्ट्रभक्त किसान दिल्ली तक आए, उनको पहले इल्जाम लगाया कि ये खालिस्तानवादी है, लेकिन ये कुछ चला नहीं, लोगों ने माना नहीं, और हमारे पंजाब के किसान आज भी सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर दिखाई देते हैं, और वो बोर्ड है उनके ऊपर कि मैं किसान हूं, मैं आतंकवादी नहीं हूं, इस प्रकार से, और वो मीडिया के चलते पूरे देश भर में ये बोर्ड गए हैं। तो ये बात पहला तो ये कामयाब हुआ नहीं उनका प्रयास। फिर उनमें से एक बीजेपी का मंत्री, उसने शोध लगाया और वो उसने ये किया कि ये सभी किसानों को पाकिस्तान और चीन उनको समर्थन दे रहा है, और इसलिए ये पूरा आंदोलन फैल गया। अब इससे ज्यादा मूर्खता मुझे लगता है कोई भी बोल नहीं सकता, लेकिन ये मूर्खता सिर्फ बीजेपी आरएसएस के लोग ही कर सकते हैं। तो इसको भी लोगों ने खारिज कर दिया, इतने लाखों हमारे देश के किसान किसी परदेशी, इसके ऊपर विदेशी देश के ऊपर ये कुछ करने वाले नहीं है। उल्टा हमारा कहना है कि आज मोदी और शाह की सरकार, इसके ऊपर अमेरिका का दबाव है, WTO का दबाव है, सभी साम्राज्यवादी देशों का दबाव है, और इसलिए ये कानून, एक तरफ अंबानी और अदानी इनका दबाव, दूसरी तरफ अमेरिकन साम्राज्यवाद और WTO का दबाव, इसके लिए भी आज ये कानून ये किसानों के ऊपर थोपने का इनका प्रयास जारी है। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, 8 दिसंबर को जो भारत बंद हुआ, और जिस भारत बंद में हमारे सभी मजदूर संगठन, छात्र संगठन, युवा संगठन, महिला संगठन, खेत मजदूर संगठन, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, उसके साथ में व्यापारी, जो ट्रांसपोर्टर है, सभी संगठनों ने ये भारत बंद को एक जबरदस्त तरीके से उन्होंने समर्थन दिया, और करोड़ों लोग इस देश में रास्ते पर उतर आए 8 दिसंबर को ये किसान आंदोलन को पूरी तरीके से समर्थन देने के लिए। इसलिए अभी ये बात जाहिर है कि अब ये आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं रहा, ये हमारे पूरे देश की जनता का आंदोलन ये बन गया है, और इसलिए आज उसको कुचल डालना ये मोदी सरकार को मुमकिन नहीं हो रहा है, क्योंकि पूरा देश एक तरफ ये किसानों के साथ में है। मैं आपको एक ही बताऊंगा, अभी हमारा महाराष्ट्र का किसान सभा का जत्था जब आ रहा था, तो मालेगांव जैसे शहर में, धुले जैसे शहर में, यानी आप समझिए कि पूरा शहर
ये किसान सभा के जत्थे को स्वागत करने के लिए पूरा शहर लौट आया था। सभी राजनीतिक पार्टियां बीजेपी को छोड़कर उनके नेताओं आए थे ये पूरे आंदोलन को समर्थन देने के लिए, हमारे जत्थे को समर्थन देने के लिए। तो ये इससे जाहिर होता है कि आज देश की पूरी आवाम, देश की जनता ये आंदोलन के साथ है। इसके अनुभव अलग अलग जगह में ये हमको आ रहे हैं, ये हमको देखना चाहिए। और एक बात जो है, इस आंदोलन के अंदर एक महीना आंदोलन चला, लेकिन पूरी शांति के साथ ये आंदोलन चला है। आपने देखा होगा एक भी गाड़ी की कांच फूटी नहीं है। इतने लाखों किसान दिल्ली के बॉर्डर पर इकट्ठा होने के बावजूद एक भी कांच टूटी नहीं है, एक भी किसी आदमी के ऊपर हमला नहीं हुआ। पूरे शांततापूर्ण यह आंदोलन जारी है और ये इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी शक्ति है। और कल संयुक्त किसान मोर्चे के मीटिंग में, जिसमें हनन मुल्ला जी थे, मैं था, कृष्ण प्रसाद जी थे हमारे किसान सभा के, और बाकी सभी किसान संगठन के नेता थे, उसके अंदर इस बात को फिर से दोहराया गया कि हमको पूरी शांतता के साथ इस आंदोलन को आगे लेना होगा। आखिरी जो इसकी विशेषता है, और वो ये विशेषता है कि इस आंदोलन के चलते नव उदारवादी नीतियां जो अलग अलग केंद्र सरकार ने अब तक ली है, और भाजपा की सरकार बहुत तेजी के साथ ये नव उदारवादी नीति आगे लेके जा रही है, इन नव उदारवादी नीतियों के खिलाफ आज ये आंदोलन संगठित हुआ है इतने बड़े पैमाने पर इस देश में पहली बार। ये बहुत ही स्वागतार्ह चीज है, स्वागत करने जैसी चीज है। और इस आंदोलन ने सीधा टारगेट बनाया, एक तरफ मोदी और शाह की सरकार, दूसरी तरफ ये सरकार जिसकी दलाली करती है, ये अंबानी और अदानी, इनके सभी गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर बहिष्कार डालने का कॉल दिया है। जियो होगा, रिलायंस होगा, अदानी होगा, इनके सभी प्रोडक्ट्स, इनके ऊपर बॉयकॉट यानी बहिष्कार करने का कॉल दिया है। तो इससे आंदोलन का स्वरूप आज हम ये कोशिश कर रहे हैं कि किस हद तक वो कामयाब भी हुआ है, और ज्यादा हमको उसको कामयाब करना होगा कि 1% 1% लोग एक तरफ, यानी बीजेपी आरएसएस की सरकार, ये बड़े बड़े देशी और विदेशी कॉरपोरेट, उनके चमचे एक तरफ, गोदी मीडिया एक तरफ, और दूसरी तरफ 99% इस देश की मेहनत कश जनता, ये दूसरी तरफ, जिसके अंदर किसान है, मजदूर है, खेत मजदूर है, और बाकी सभी जो हमारे छात्र, नौजवान, महिला और सभी जाति धर्म के मेहनत कश लोग, ये दूसरी तरफ, ये इस आंदोलन का स्वरूप अभी बन गया है, और ज्यादा तेजी के साथ उसको बनाना होगा। ये हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन ये पूरे संयुक्त किसान मोर्चा, ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति और हमारी अखिल भारतीय किसान सभा, ये इसी दिशा में आगे जाकर ये पूरे आंदोलन को, जब तक मोदी और शाह की सरकार झुकती नहीं, जब तक हमारी मांगे पूरी करती नहीं, तब तक यह आंदोलन सिर्फ जारी रहेगा उतना ही नहीं, लेकिन उसकी व्यापकता, उसकी तीव्रता बहुत बड़े पैमाने पर अभी आगने वाले समय में बढ़ेगी। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शंका लेने के लिए जगह नहीं है। और ये सब करते हुए जीत आखिर में जनता की होगी, और ये जीत जनता की होने के बाद हार होगी इस सरकार की। जैसे आपको याद है, जयप्रकाश नारायण जी ने उस वक्त जो बड़ा आंदोलन किया था, और उसका जो नारा था, सिंहासन खाली करो, जनता आई है। अब ये आंदोलन भी इसी प्रकार से आगे बढ़ेगा, और जनता की जीत होगी, किसानों की जीत होगी, मजदूरों की जीत होगी, और ये सरकार की और अंबानी अदानी की हार होगी। इसके दिशा में हम सब एकजुट करके, साथ में मिलकर हम आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ मेरी तकरीर पूरी करता हूँ। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।